अभी जा रही हो दूसरा जगह, काम है, लेट हो गया, हमेशा यही हो जाता है, जल्दी आती हूँ लेकिन हो ही जाता है। आज तो बारिश भी था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आ गई काम खाना बनाने के लिए है। आज ऑनियन सांभर और पम्पकिन सब्जी, चिल्लू के लिए पराठा। आज बना रही हूँ मैडम के लिए तो ओट्स। हाँ, मसाला ओट्स बन गया है तो अभी मैं बाकी का खाना बनाती हूँ, बाकरी और चपाती ये सब। फिर मैं आपको दिखाऊंगी क्या रोज़ का, यही है आपको दिखाना, क्या बताने के लिए। तो रोज़ मेरा खाना ऐसे ही बनता है। कल ऐसे ही मैं खाना बनाते बनाते मैंने मोबाइल रखा तो बाजू में देखी तो पानी था, गिर गया मोबाइल, पानी में गिर गया। और नानी को पता है नहीं मैंने कि पानी में गिर गया करके, क्योंकि वो चिल्लाएगी, बोले कि अम्मा तुम मोबाइल ऐसे गिर गया, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है मोबाइल के सिवा। एक मोबाइल है उसमें वीडियो बनाते हैं हम लोग, मैं, मेरी बेटी और हाँ, उसी से ही हमारा का वीडियो चलता है, हमारा सब कुछ मोबाइल से ही है। तो आज मैं अभी चलू के लिए तो बच गई, फ़ोन तो बच गया। अब मैं तो टेंशन में आ गए थे रात को, इसीलिए वीडियो निकाल नहीं पाए। तो रात को देखती थी मैं, नन्नी को बोली नहीं, बोलेगी तो वो चिल्लाएगी तो है ही, फिर वापस अभी खरीदने जैसे अपने पास अभी है ही नहीं, क्योंकि बहुत अभी इस टाइम में पैसे का बहुत कड़की है, इसीलिए इन्हें तंगी है क्या। बहुत अभी बोलो तो मेरे मेडिक्लेम का भरने का है, नानी का भी, कॉलेज का भी, एडमिशन का ही आ गया है, वो भी भरने का है। मम्मी का भी अभी पैर दुख रहा था, कल ही फ़ोन आया है कि मैं बहुत परेशान थी, इसीलिए वीडियो निकालने के लिए भी मन नहीं हुआ मेरा, क्योंकि ऐसा भी ये वो ऐसा सोचते सोचते तो करने को हुआ ही नहीं, और लेट भी हो गया था। तो हमने सोचा कि आज वीडियो नहीं बनाते, कल बनाएंगे वीडियो। लकीली मोबाइल को अभी तो कुछ हुआ नहीं, वो दिख रहा है इसीलिए। तो मैं फटाफट बना देती हूँ पराठा चल्लू के लिए। अभी बना रही हूँ मैं पराठा, उसके लिए डालूंगी सब मिर्ची, कोथमीर, जो मेरा टाइप है वो वाला पराठा, जो मैंने वीडियो में डाला था आलू का पराठे उस टाइप बना रही हूँ, चेलो को भी पसंद है तो अभी मैं पीस लेती हूँ। वही मेरा मसाला पीस के हो गया, आपको पता ही होगा मिर्च लहसुन का वो हो गया अभी, तो अभी बनता देखू। तो अभी आटा मल रही हूँ पराठा के लिए, और पोटैटो आलू पकने रख दिया है गैस पे, नहीं माइक्रोवेव में। मेरा आसान तरीका है कि एक साथ सब मैनेज करने को होता है, नहीं है ना, इधर ये गैस वो गैस ये गैस सब संभालना पड़ता है। तो मैं जल्दी से कहीं भी सब घर में आलू मैं माइक्रोवेव में पका देती हूँ, सिर्फ 10 सेकेंड नहीं 10 मिनट के लिए है। 4-5 आलू रख देने का दो के वैसे ही, और 10 मिनट में वो अच्छा खासा पक जाता है। तो निकालूंगी फटाफट बनाऊंगी, क्योंकि सब जगह कहीं आलू का पराठे, आलू का पैटीज, ऐसा आलू की सब्जी, तो क्या कुकर लगाने का ज़रूरत नहीं है, तो पटक से उसके अंदर बन जाता है, इन्हें पक जाता है। तो मैं बना देती हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि ये 1.5 घंटे में ये घर का काम खत्म करना है, दूसरा घर जाना है, दूसरा घर में बनाना है खाना, तो उसकी हिसाब से ही मुझे सब अरेंज करके सेट करके प्लान करके तो मैं बनाती हूँ, क्योंकि जाने के बाद ही वहाँ मेनू पता चलता है। मैडम लोग रहेंगे वो बताएंगे, इस घर में तो मैडम बताती नहीं है, वो
खाली उनका डाइट का दे देगी लिस्ट, तो सर का डाइट का लिस्ट है वो पता है, तो उसके हिसाब से मैं उनका बनाती हूँ। और मीना आंटी के लिए, चल्लू के लिए उसका पसंद का ना, थोड़ा अलग अलग इधर बनता है लेकिन चलेगा, क्योंकि इतना साल से इस घर में काम कर रही हूँ, सब मेरे ऊपर ही मैडम ने अपना जो है वो बनाओ तुम्हारा मर्जी ऐसा, और मुझे भी ध्यान रखना पड़ता है, मेरा मर्जी ऐसा हो कर तो भी मुझे ध्यान रखना ही पड़ेगा कि मैं क्या दूँ, क्या अच्छा रहेगा, तेल का चीज़ नहीं चाहिए, हेल्दी भी चाहिए, उसके हिसाब से मेरे को प्लान करना पड़ता। तो अभी ये इसके बाद आलू का पराठे के बाद बनाऊंगी पम्पकिन का सब्जी, कद्दू की सब्जी, हाँ कद्दू बोलते हैं पम्पकिन की सब्जी बनाऊंगी। आनियन सांभर बन रहा है, राइस हो गया है, अभी इसके बाद बकरी सलाद, आज टमाटर जूस और टमाटर जूस बनाऊंगी, वेट लूज के लिए अच्छा है, मेरा मैडम का और डाइट लिस्ट में है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ तो हेल्दी भी है, आपको तो पता है मिंट एंड कोरिएंडर जूस पीगी तो मैडम भी खुश होती है आपको जो वीडियो बताई थी मैं, और यह भी जूस अच्छा है। तो अभी तो आटा मल के हो गया है, तो अभी मैं आलू निकाल लेती हूँ हाथ धोकर। ये हो गया, ऐसे ना पक्के से धोदा ये पक जाता है अच्छा, ऐसा लगता है अपने को नहीं होता है, वो कुकर में से पानी हो जाता है ना वो पकने के बाद, लेकिन इसमें जल्दी से टाइम भी नहीं लगता, जितना टाइम आटा मलो जब तक तो हो ही जाता है, तो मेरे को भी जल्दी आसान पड़ता है बनाने को। धोदा थोड़ा टाइम ठंडा होने देती हूँ, तो उसके बाद इसको मसाला में डाल के करूँ जब तक बाकी का काम निपटा लेती। अभी है पम्पकिन का सब्जी, तो मैं उसको काट लेती हूँ, इसका ले इसको काट दूँगी, स्किन निकाल देती हूँ। चलो को भूख लगा है, पराठा बना रही हूँ, अभी गरम है आलू का पराठा का, इससे पहले बोला कि जल्दी जल्दी करो, उसका स्कूल भी है ना और ब्रेक लगता है, अभी आता है वो पानी के लिए, तो वो सूप का नहीं हो गया, चलो हो गया। अयो चलो पता है कल पानी में गिर गया फोन, बबरे गिर गए, बबरे नन्हे दीदी चिल्लाएगी मेरे को देखेगी, तो कल वीडियो इसीलिए नहीं डाला, पता है मेरे को डर लग गया, आ जाना तो तुमको देखते थैंक यू चल्लू, ये पता नहीं था मेरे को ऐसे ऊपर कर सकता है इसको, उसके ऊपर नहीं रख लो ऐसे इसको ऐसे, हाँ ऐसा कर सकते हैं ना। मैं पराठा बना रही हूँ फटाफट, चल्लू ऐसा बहुत अच्छा बचा है, जब भी फर्स्ट मैं इस घर में काम करने आई थी, जब भी वो 3 साल का था दौड़ के आया, दरवाजा खोला, मेरे लिए नया था ये घर, तो उस टाइम में मैं साड़ी पहनती थी, तो चलू वो मम्मी पापा थे और आंटियाँ भी थी, वो जो मीन आंटी है ना वो भी थी साइड में थी वहाँ, तो चलू दरवाजा खोली तो मैं आई अंदर, मीना आंटी दरवाजा खोलने के बाद अंदर आई, तो चलू दौड़ के आया,
अरे ये क्यों दौड़ के आ रहा है, ऐसे तो देखा था ऐसे आके ऐसे मेरे पैर के अंदर ऐसे हाथ किया तो अम्मा ऐसा हुआ, तो मैं एकदम मन मेरा ऐसा मतलब बोले चलू मैं आंटी हूँ तेरा ऐसे मैं बोली, तो मतलब वो छोटा था वो बोल नहीं पाया, फिर बोला अम्मा अम्मा ही बोला दो तीन बार अम्मा अम्मा ही बोला, तो उसके बाद बोलते बोलते फिर सीख गया आंटी बोलना, अभी अभी तो आंटी बोलता है, पहले तो जब ही छोटा था तो अम्मा अम्मा ही बोलता था, लेकिन चलो बहुत मारा है मेरे को बचपन में ना बहुत, उसको पता नहीं कभी कभी कोई चीज़ को गुस्सा आता है ना तो बहुत मारता है, बहुत मारा था मुझे याद है, छोटा था ना छोटा पन में बच्चे सभी मारते हैं ऐसे ऐसे। चेल्लू की नानी थी वो भी बोलती थी ओ क्यों मार रहे चेल्लू मत मार मत मार ये छोटा था ना, लेकिन है अच्छा बच्चा बहुत प्यार करता है मीना आंटी को भी हमको भी, मीना आंटी से तो बहुत क्लोज है, 12 अभी इतना साल हो गया उनके साथ ही हो रहता है हर चीज सब कुछ मीना आंटी का, वो देखा सब कुछ उसका खाने पीने का मीना आंटी ख्याल रखती है, मैं तो बनाती हूँ लेकिन बाकी का वो सब चलू का मीना आंटी ख्याल रखती है, ऐसे अच्छे सब। ये घर के अच्छे हैं सब, ऐसा नहीं इस घर का ही अच्छे ऐसे नहीं, मैं जिधर काम करते सभी मैडम सभी सर लोग बहुत अच्छे हैं सब, मेरी वो ये अभी नहीं है दूसरे तो दूसरे जगह चली गई है, वो जो मैडम थी वो गुंडे चार जने दूसरा जगह वो अभी कोई नहीं बता सकती, वहाँ वो सर उनका उन्होंने मेरे को कैसा प्लान बताया कि कैसा RD करो FD करो वो सब प्लान बताया, मेडिक्लेम करो वो सब प्लान बताया, तो मैं उसके हिसाब से मैं करती थी, अभी मैं कर रही हूँ वैसे ही। और दूसरी थी चेल्लू का टाइम में वो नन्नी सती का टाइम में, सती जब भी हम लोग साथ में थे यानी शादी का पहले भी एक मैडम थी हमारी बहुत क्लोज, वो नाम नहीं बता सकती अभी, वो अभी इंडिया में नहीं है वो बाहर है बाहर देश में शिफ्ट हो गए अभी, इतनी अच्छी मलयाली थी स्टार्टिंग, ये मेरा 10 साल का पहले का ये 11-12 साल हाँ 12 साल पहले का ये 12-13 तक का उस साल उस टाइम का, वो मैडम इतनी अच्छी है ना, वो मलयाली थी फर्स्ट वो घर में सब कुछ ऐसे घर के मेंबर जैसे ही थे वो भी, खाने पीने में कोई भी चीज़ में कपड़े में, मेरे मैं बर्थडे में बैठी लूँ को कपड़ा कभी नहीं लेती थी, मेरा पास उतना होता भी नहीं था तो कहाँ से कपड़ा ले, तो जब बच्चे मेरी तो बड़ी वाली तो उसको कोई इच्छा हुआ कोई चीज़ हुआ तो मैं लेके देने के जैसे उतना मेरा पास नहीं था तो मैं नहीं लेके देती थी, लेकिन मैडम को बोलती थी इसका आज बर्थडे है सती का बर्थडे, तो उसने एक दिन तो बड़ा नया कपड़ा ड्रेस नया ड्रेस लेके दी, और उसने 100 रुपीज़ उसको पर रखी, उस टाइम का 100 रुपीज़ भी 1000 रुपीज़ का बराबर है यानी 10 साल का पहले का, वो मैं लेके जाके बेटी को दी, इतना बेटी खुश हो गई, वो उस घर में हर चीज़ नानी के लिए भी कभी कपड़ा वो कुछ ये वो मैडम कपड़े का साथ, उनकी बेटी का उम्र नानी का उम्र एक ही है, कभी भी अभी व्हाट्सअप कॉल आता है तो बाहर है ना बाहर देश में इसके लिए व्हाट्सअप कॉल आता है तो हम लोग बात करते हैं, और वो दोनों बच्चे हैं इतने से थे जब ही गए थे, अभी बहुत लंबे और बड़े हो गए, अभी बात करते तो हंसते बोलते तो खुशी खुशी खुश होते हैं मुझे, क्योंकि उस टाइम अभी भी जुड़े ये मैं वीडियो बना रहे वो रोज देखते हैं ऐसे, नाम नहीं बता सकती मैं तो बता दूँ नहीं नाम नहीं बता सकती, लेकिन है मेरा मैडम वो, और वो सर भी अच्छा है क्योंकि सर बाहर रहते थे वो नेवी में थे, वो 6 महीने में आते थे 6 महीने में तो रहते थे 6 महीने में वापस चले जाते थे, उनका काम ही वैसा था, तो हम लोग ही उस फैमिली में ही थे, मैं नन्नी सती सती का शादी होने का पहले, और उनका 2 बेटियाँ
वो बेटा और बेटी हम, तो हम लोग बहुत क्लोज थे। खाने पीने में हर चीज़ में वो कुछ कम नहीं था, उसके इधर ही खाना खाती थी, उसके इधर ही ब्रेकफास्ट करती थी, सब कुछ उसके इधर ही। कभी मैं बिक्की गई थी तो वो उसका कपड़ा पहन लेने का, वैसे हर चीज़ खाने पीने को भी बेटियों को कुछ भी जास्ती बनाए तो देती, बोलती थी लेके जाओ तुम अपने बेटियों को, इतना प्यार करती हूँ। अभी मैं वो अभी इतना लंबा चला गया तो बहुत मिस कर रही हूँ। ऐसे बहुत सारे हैं जो मैं उनके साथ काम की, वो लोग अभी लंबा चला गए दूसरा जगह रहने के लिए, मैं अभी भी मिस करती हूँ, वो लोग भी मिस करते हैं, फ़ोन करते हैं मुझे, अभी भी बात होती है मेरी। बहुत सारे ऐसे है कि नजीक होते तो जाती थी जाते थी, ऐसा कर इतना क्लोज, इतना बर्थडे में केक काटना, बेटियों के लिए केक के लिए पैसा देना, केक लेके देना, तो सब क्योंकि ये काम मुझे, ये काम में मैं घर चला रही हूँ। इस घर में लोगों को इन्हें घर घर जाके खाना बना के मैं घर चला रही हूँ, इसे मैं खुशी खुशी इस काम करने को मुझे आनंद आया और मैं खुशी खुशी बनाती हूँ और हंसते, कितना भी मुझे तकलीफ रहे, ऐसा नहीं है कि काम में कोई प्रेशर नहीं है कि तकलीफ नहीं है। अगर काम करने वाले मेरे, मैं हंसते हंसते बनाती हूँ इसीलिए बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे चीज़ काम में नीचे ऊपर होता है और कभी मैडम लोग को भी उनका मन का पसंद नहीं हुआ कुछ छोटे छोटे बातों को, ये हो जाता है तो भी वो बड़ा नहीं, इशू बड़ा नहीं होता है वो, क्योंकि कोई ऐसा बड़ा तो मैडम लोग भी नहीं कुछ बोलता, हाँ ये ऐसा ऐसा कर दो, वैसे इसको ऐसे कर दो ऐसे करके। लेकिन मैं कुछ भी रहेगा मेरा गलती तो मैं ज़रूर मानती हूँ, हाँ मैंने गलती किया है तो मैं बोलती हूँ माँ मेरे से क्या गलती हुआ है मुझे बताओ। कभी कभी कोई कोई मैडम तो बोलती है मेरा नहीं, मैं कैसे बताऊँ आप हमारे से बड़े हैं, तो मैं बोलती हूँ बड़े हो छोटे हो बताओ मुझे, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे गलती कहाँ हुई है। तो बताने के बाद हम मैं सुधारने को ज़रूर कोशिश करती हूँ, कि वैसे वो गलती करके नहीं बताते, कोई रह गया कोई चीज़ रह गया ध्यान नहीं दिया तो जाती उस बात के लिए बताते, तो मैं भी उस बात को ध्यान देती हूँ क्योंकि ज़रूरी है, क्योंकि काम करने आते तो हम भी बराबर होना चाहिए, कुछ रहेगा तो मानना भी चाहिए, गलती है तो ज़रूर मानो, कोई भी काम करने वाली कोई भी हो तो हमारे जैसे, क्योंकि हमें इतना प्यार मिला है तो हम एडजस्ट करके अपने को भी जाना चाहिए तो ही घर चलेगा। मैं तो मेरी दोनों बेटियों को लेके भी घर काम करके मैं इतना तक मैं आई हूँ, आगे भी अभी भगवान का मर्जी, आगे भी जितना दिन चलने का जितना साल करूँगी तो मर्जी भगवान का, लेकिन मैंने सबका मन रख के चलाती हूँ, जिसको जिसको जो पसंद है उसको हिसाब से मैं बनाती हूँ, जो यही घर में नहीं बाकी सब घर में भी उनको पूछती हूँ भैया को ये पसंद है, मैडम को ये पसंद है, बेबी को ये पसंद है, आपू को ये पसंद है, ऐसा पसंद पसंद जो जो पसंद है उसके हिसाब से चलने को ज़रूर कोशिश करती हूँ। चलू आ जाओ चल्लू का टाइम हो गया है, मैं अभी तक आप लोग से बातें कर रही हूँ, चल्लू को नहीं दिया है, अभी दे रही हूँ चल्लू पराठा। क्यों नाचे से अभी दे रही हूँ चल्लू को गर्मा गर्म पराठा। चल्लू को मेरा आपका पराठा पसंद है ना चल्लू, आओ इधर आओ आई आ रहे पराठा स्वास नहीं चाहिए ना, क्या था चटनी ले ले, बटर है ना बटर ले ले, नहीं तो पार्टी का चटनी है सूखा वो देखा अभी मैं काम कर लेती हूँ फिर बाद में आपसे मिलती हूँ, बाय।